हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सुबह का टाइम है और आज आपके साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम सुनते साथ ही सभी बच्चों और युवाओं के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है। बहुत टेस्टी लगती है, सभी को पसंद आती है वैसे तो। यहाँ पर मैंने इसके लिए तीन कलर की शिमला मिर्च ली है। आज मैं आपके साथ में व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत हेल्दी भी होता है, बिल्कुल भी जंक फूड नहीं होता है अगर अच्छे तरीके से बनाया जाए तो। और ये देखिए, इस तरीके से मैं छोटे छोटे से टुकड़े निकाल ले रही हूँ तीनों शिमला मिर्च के। पूरा पूरा नहीं हम इस्तेमाल करेंगे। और अच्छा, अगर आपके पास में सिर्फ ग्रीन वाली है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे कलर्स होना चाहिए। बस ये सारे अगर होते हैं ना तो कलरफुल लगता है जो व्हाइट सॉस पास्ता होता है, अदरवाइज सिर्फ ग्रीन है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको हम ना बारीक बारीक कट कर लेंगे, तो ये भी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बड़े बड़े इसके पीसेस रखना चाहते हैं तो वैसे भी रख सकते हैं, पर मैं जनरली ना छोटे छोटे पीसेस करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि बड़े पीसेस कई बार ना बच्चे बाहर निकाल देते हैं खाते समय, और छोटे पीसेस ना अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं सॉस में, तो वो फिर निकालना मुश्किल होता है और वो आसानी से खाए जा सकते हैं। तो इसलिए मैं सभी शिमला मिर्च के छोटे छोटे पीसेस करने वाली हूँ। तो ये देखिए, रेड, येलो और ग्रीन बेल पेपर मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर स्वीट कॉर्न लिया है मैंने लगभग 3/4 कटोरी, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं इसको भी। अच्छा, और इसमें जितनी वेजीज आप यूज करना चाहते हैं, जैसे ब्रोकली कर सकते हैं या मशरूम्स कर सकते हैं, सारी इस्तेमाल कर सकते हैं जो जो आप खाते हैं, पर हाँ पालक मटर वगैरह ना इस्तेमाल कीजिएगा, वो इसमें नहीं जाता है। अब 7 से 8 कलियां मैंने लहसुन की भी क्रश कर ली है साथ ही साथ में, और यहाँ पर पानी उबलने के लिए पहले से ही रख दिया था। पानी में सबसे पहले हम डाल देंगे नमक, तो ये स्टेप पहले जरूर से कीजिएगा, नमक बाद में ना डालिएगा, क्योंकि पानी में उबलते समय डाल देंगे तब इसमें पास्ता डालेंगे तो पास्ते अच्छे तरीके से नमक को एब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये पेने पास्ता लिया है, इसमें ना धारियां होती है, रिब्स होते हैं, जिसके कारण जो सॉस है ना अच्छे तरीके से इसमें लपेट जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। वो चिकने वाले पास्ता मत लीजिएगा, स्मूथ स्किन वाले, इस तरीके के रिब्स वाले पास्ता लीजिएगा, जिससे कि खुरदरा इनका सरफेस होता है ना, तो ये अच्छे तरीके से सॉस को अपने आप में लपेट लेते हैं। दूसरे बर्नर में मैंने शिफ्ट कर दिया है, वहां पर ये पास्ता उबलता रहेगा, तब तक हम एक और तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 छोटा सा क्यूब बटर का। तो बटर जलना नहीं चाहिए, तो उसको इमीडिएट थोड़ा सा हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। तो 1 चम्मच मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल दिया है। ऐसा करने से क्या होता है कि बटर जलता नहीं है, वरना डायरेक्ट अगर बटर को गर्म करते हैं ना तो वो एकदम से ब्राउन सा हो जाता है, जलने लगता है। बस इसको हम मेल्ट करेंगे और हमने जो गार्लिक क्रश करके रखा है वो इसमें डाल देंगे। तो गार्लिक ना अच्छे से भर भर के डालिएगा, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। गार्लिक मैंने डाल दिया है, अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। आंच को ध्यान दीजिएगा, बहुत तेज ना करिएगा वरना ये जलने लगेगा। और जैसे ही हल्का सा भुन जाएगा, सारे के सारे बेल पेपर मैंने इसमें डाल देने हैं। इसको हमको अब हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से स्टर फ्राई करना है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पर नहीं करना है, हाई फ्लेम पर इसको अच्छा बढ़िया सा स्टर फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक। तो बीच बीच में चलाते रहिएगा, एकदम से ना छोड़िएगा वरना ये जल जाएंगे। और जरा सा भी जलेगा या नीचे से हल्का सा भी चिपकेगा ना तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है, साथ ही साथ में वहां पे पास्ता भी बॉईल होते चले जा रहे हैं। इसको मैं बीच बीच में चलाते हुए अच्छे तरीके से फ्राई करने वाली हूँ। जब ये लगभग 2 मिनट हो चुके फ्राई होते हुए, तब इसमें मैंने यहाँ पर स्वीट कॉर्न डाल दिए हैं। स्वीट कॉर्न स्टार्टिंग में मत डालिएगा वरना चीठे चीठे से हो जाते हैं ये, क्योंकि इनको पकने में ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है। अब मैंने यहाँ पर नमक स्वादानुसार इसी स्टेज में डाल देना है, ताकि सारी सब्जियां नमक को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर ले। और फ्लेम को मैंने अभी मध्यम आंच पे कर दिया है, मध्यम आंच पे अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसको हम पका लेंगे। साथ ही साथ में वहां पास्ता भी बॉईल होते जा रहा है। ये देखिए, ये पेने पास्ता है ना, ये सूजी का या आटे का बना होता है, तो ये नुकसान बिल्कुल भी नहीं करता है। हाँ, मैदे वाला पास्ता होगा ना तो वो थोड़ा सा नुकसान करता है, तो इसे आप हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। और इसमें जितनी वेजीज आप ऐड करना चाहते हैं, जो आप खाते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ब्रोकली या मशरूम्स वगैरह तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, बहुत हेल्दी बन जाएगा और ज्यादा हेल्दी बन जाएगा, पर मेरे यहाँ नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। अब इसमें लगभग 1 चम्मच मैंने रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच ओरिगैनो, साथ में 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है। तो मिर्च की क्वांटिटी ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर लेंगे। अगर रेड चिली फ्लेक्स कम खाते हैं ना तो कम डालिएगा, मेरे यहाँ थोड़ा सा तीखा ज्यादा खाया जाता है इसलिए मैंने इसमें ज्यादा करी है क्वांटिटी मिर्ची की। बस इसको अब लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, लगभग आधा मिनट या 30-40 सेकंड्स मैंने इसको फ्राई किया। और बस इसको दूसरे बर्नर पे शिफ्ट कर दिया है, वो फ्राई हो चुका है, उसको ठंडा होने देंगे।
और यहाँ पर पास्ता भी लगभग लगभग पूरे तरीके से बॉईल हो चुका है। इसको बहुत अच्छे से पूरा 100% कुक नहीं करना है, लगभग 80% तक ही बॉईल करना है। बाद में ये सॉस के साथ भी पकेगा ना, तो फिर लास्ट में नहीं तो ओवर कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी 80% तक ही हमको कुक करना है। ये देखिए चाकू से हम कट कर रहे हैं, तो ये कट जा रहा है आसानी से, पर एकदम गला गला सा नहीं है, वैसा हमको इसको कुक नहीं करना है। बस हमारा पास्ता बॉईल हो चुका है, गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और इसको फटाफट से छान लेंगे। और छानने के बाद ना इसकी कुकिंग प्रोसेस को हमको एकदम से स्टॉप करना है। तो स्ट्रेनर में छानने के बाद में इमीडिएट इसके ऊपर हम डालेंगे ठंडा पानी, और ठंडा पानी तब तक डालना है जब तक ये पास्ता पूरे अच्छे तरीके से ठंडे ना हो जाए, वरना अगर ऐसे गर्म गर्म छोड़ देंगे तो आपस में चिपक जाते हैं। तो इसमें पानी तब तक डालना है जब तक ये अच्छे तरीके से ठंडे ना हो जाए। और अब यहाँ पर एक कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, गैस को ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे दोबारा से बटर। तो मैं बटर का इस्तेमाल काफी ज्यादा कर रही हूँ क्योंकि मेरे को बच्चों के लिए बनाना है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर कम से कम डालिए, 2 क्यूब्स मैंने बटर के डाल दिए हैं। यहाँ पर आप 1 क्यूब बटर का और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो बटर जले नहीं, तो दोबारा से मैंने लगभग आधा चम्मच ही रिफाइंड ऑयल और डाला है। डालने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ बटर जलना नहीं चाहिए इसलिए मैंने ऑयल को डाला है। अच्छे तरीके से इसको गर्म होने देंगे पहले, और जैसे ही गर्म होगा इसमें डालने वाली हूँ 3/4 चम्मच में मैदे की। तो यहाँ पर हम व्हाइट सॉस बनाने वाले हैं, तो मैदा डालना जरूरी है ताकि इसमें ना एक थिकनेस सी आए ग्रेवी में। और मैदे को ना बहुत ज्यादा भूनना नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम पर बस इसका कच्चापन जाने तक हमको भूनना है। लगभग 1 मिनट या 1.5 मिनट ही लगता है, पर कलर नहीं चेंज होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मैदे का कलर व्हाइट से ब्राउन नहीं होना चाहिए। अब जिस कटोरी से हमने पास्ते को मेजर किया था ना, उसी कटोरी से हम दूध को मेजर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर वही कटोरी, सेम कटोरी ले ली है और उसमें 1 कटोरी दूध भर लिया है। जैसे ही इसका कच्चापन गया मैदे का, इसमें हम दूध को डाल देंगे। तो मैंने 1 कटोरी पहले पास्ता लिया था, तो यहाँ पर मैं 2.5 कटोरी दूध डाल रही हूँ। तो दूध की क्वांटिटी आप जो व्हाइट सॉस है वो पतला वाला चाहते हैं या गाढ़ा चाहते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। यानी कि इसमें व्हाइट सॉस की क्वांटिटी ज्यादा चाहते हैं पास्ता में या फिर कम चाहते हैं, उस हिसाब से आप दूध की क्वांटिटी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2.5 कप दूध डाल दिया है। दूध मेरा फुल फैट मिल्क था। दूध में अच्छे तरीके से उबाल आने देंगे, ध्यान दीजिएगा कि अच्छे तरीके से उबाल आना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर डालने वाली हूँ ये स्लाइसेस, चीज स्लाइसेस मैं इसमें डालूंगी। तो मैंने 4 चीज स्लाइसेस ली है और उनको इस तरीके से तोड़ तोड़ के इसमें डाल देंगे। आज को मैंने मीडियम टू हाई ही रखा है, लो फ्लेम नहीं रखा है। कई बार क्या होता है ना, चीज डालने के बाद फटने लगता है, तो चीज डाल के अच्छे तरीके से चीज को भी मेल्ट कर देंगे। और फिर इसमें हमने जो स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम का पूरा मसाला तैयार करके रखा था उसे भी डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इस टाइम में नमक को एडजस्ट कर लेंगे। अभी नमक इसमें व्हाइट सॉस के हिसाब से हमने नहीं डाला था, तो यहाँ पर व्हाइट सॉस के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि पहले तो हमने वेजीज में नमक डाला था, इसमें तो डाला ही नहीं था। और एंड में हम डाल देंगे सारे के सारे पेने पास्ता जो हमने बॉईल करके रखे थे। फटाफट से मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और कम से कम 2 मिनट तक इसको साथ में अच्छे से पकाएंगे, मतलब व्हाइट सॉस में पास्ता को अच्छे तरीके से कुक करेंगे। तो ये देखिए लगभग 1.5 मिनट मैंने पका लिया है, बहुत अच्छे तरीके से लटपटा सा गया है ये पास्ता इसमें। बस इसी तरीके की कंसिस्टेंसी होना चाहिए, हल्का सा ठंडा होगा ना तो और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ये हमारा शानदार व्हाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। ब्रेकफास्ट में बनाइए, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और ये अच्छा हेल्दी फूड है, इसमें जितनी वेजीज आप यूज करना चाहते हैं ना उतनी कर सकते हैं, और बच्चों को दीजिए। इसमें दूध भी है, बहुत हेल्दी होता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। और घर में आप अपने हिसाब से चीज बटर को एडजस्ट कर सकते हैं, मार्केट में तो जैसा बना के देंगे वैसे ही खाना पड़ता है। तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।